यूपी के संभल में बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के नामांकन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा संभल से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने आज किया नामांकन पत्र दाखिल। संभल में बीजेपी प्रत्याशी सैनी का नामांकन कराने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चंदौसी विधायक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गुलाब देवी भी रही मौजूद। सैनी के नामांकन के बाद नामांकन सभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। संबोधन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहजोई नगर में किया रोड शो। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। जी रामगोपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने राम मंदिर अपना कॉपीराइट समझ रही है, क्या कहेंगे इसको? भगवान श्री रामलला जिनके नाम के आगे रामगोपाल जी लगा हुआ है जी, उनको सर ये साक्षी महाराज जी का बयान आया है कि देश में 4 बीबी और 40 बच्चों का कानून नहीं चलेगा और एक जनसंख्या कानून जरूरी है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? मैंने उनका बयान सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन यहाँ इस देश में सामान्य नागरिक संहिता जी मोदी जी की गारंटी के अनुसार 4 जून 4 बजे 400 पार प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार। रामनवमी पर सर बवाल हुआ है बंगाल में, अभी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। जब विधानसभा चुनाव होंगे वहां भी भाजपा सरकार बनेगी। जैसे राम भक्तों पर यूपी में फूल बरसाए जाते हैं या जहां भाजपा की सरकार है वहां फूल बरसाए जाते हैं, वैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त और जो भी भक्त माँ के भक्त सब पर फूल बरसाए जाते हैं। सर मायावती जी कह रही है मसी सीट जीते हैं, बीजेपी नहीं आ रही है, मायावती दावा कर रही है, क्या कहेंगे? उनके दावे 2014 से सुन रहा हूँ, 2014, 2017, 2019, 2022 और चारों बार के दावे सपा बसपा कांग्रेस के फेल हो गए और भाजपा पास हो गई, जनता ने पास कर दिया, इस बार भी हम लोग पास होने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।